हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। SY बीकॉम सेमिस्टर 4 के अंदर बच्चों हमने अनदर टॉपिक स्टार्ट किया है कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है बच्चों जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जिसके अंदर पहले लेक्चर में बच्चों आपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आज बच्चों जॉब एंड बैच कॉस्टिंग के अंदर सफर को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों सम नंबर 4 ब्रैकेट में इलुस्ट्रेशन 4, होमवर्क में 13 एंड पेज नंबर 229। तो आप लोग बच्चों कॉस्ट अकाउंट की टेक्स्ट बुक ले लीजिए और फिर सम नंबर 4 के साथ जॉइंट हो जाइए। अब आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है बच्चों अद्भुत कैलकुलेशन, सम नंबर 4 ब्रैकेट में इलुस्ट्रेशन 4, सम नंबर 13। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। एज अ न्यू कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंटेड इन अ कंपनी, यू फाइंड आउट दैट सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 101। अगेन बच्चों सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, ओवरहेड है, प्लीज एनालिसिस है पीएनएल अकाउंट का। अब ये जो पीएनएल अकाउंट है बच्चों, इट इज अ डेटा ऑफ लास्ट ईयर, आपको खास याद रखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप अ जॉब कॉस्ट शीट, फिर उसके बाद कैलकुलेट द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग ओवरहेड फिगर शोन इन लास्ट ईयर, यानी पीएनएल में से ओवरहेड का फिगर लेना है और 10% टोटल कॉस्ट पे एड करना है बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर्स चाइनीज में रुपीस, ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह लिखे बच्चों, ऑनलाइन है तो पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलो पहले बच्चों जॉब के लिए जो इंफॉर्मेशन है उसमें स्टार्टिंग में मटेरियल है जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 120.80। उसके बाद है बच्चों मेरे पास डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू मुझे 22 आवर दिख रही है, इंटू 2.5 करोगे तो वैल्यू आएगी 55। और ये 55 को बच्चों हम अलग तरीके से लेंगे, ए में 10 आवर रेट है बच्चों 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, बी में आई थिंक 4 आवर मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 और सी में बच्चों 8 आवर्स है मल्टीप्लाई करेंगे 2.5। हम बच्चों इस प्रकार से सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालेंगे। अब बच्चों मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ध्यान अंदर सबका। यस, मुझे बच्चों सम नंबर निकालना होगा। यस, सम नंबर, यस, मल्टीप्लाई करेंगे 25, 10 और 20। मेरे पास बच्चों टोटल की मदद है, मैं ले रहा हूं, आप लोग चेक करना, 25, 10 और उसके बाद है 20। जैसे बच्चों ऐड करोगे 55 हो जाएगा और हमें प्राइम कॉस्ट जो बुक में दिया हुआ है वो रिसीव होगा 175.80। ऑलरेडी बच्चों इतनी वैल्यू आप देख सकते हो गिवन है, आराम से आप इसके अंदर वर्किंग कर सकते हो। देख लो इतना तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओवरहेड, उसके लिए उन्होंने बनाया लास्ट ईयर का पीएनएल है उसे फॉलो करो। अब लास्ट ईयर का पीएनएल है बच्चों, उसमें सबसे पहले मैं ऐड करने जा रहा हूं फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर बेस लेंगे हम एक्चुअल लेबर आवर। अब ए डिपार्टमेंट के ऊपर से आवर लिए 10 आवर, बी डिपार्टमेंट ऊपर से आवर लिए 4, सी डिपार्टमेंट ऊपर से आवर लिए 4, 8 और 10। अब बच्चों यहां मेरे पास लेबर आवर का रेट नहीं है, अगर आपको थोड़ा कुछ दिया है जो लास्ट में हमने जो 2 सम किए थे फर्स्ट लेक्चर्स में, तो उसकी नोटिंग देख रहे बच्चों। नोट नंबर 1, फैक्ट्री ओवरहेड पर आवर रेट इक्वल टू बजेटेड या फिर लास्ट ईयर फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन लास्ट ईयर लेबर आवर। अब मेरे पास बच्चों पीएनएल अकाउंट है वो देखिए, उसमें लास्ट ईयर का फैक्ट्री ओवरहेड है 12,500, उसके बाद बी के अंदर है बच्चों 20,000 और फिर मेरे ख्याल से सी के अंदर है बच्चों 5,000। अब आप देख सकते हो दिक्कत यह है कि लास्ट ईयर के पीएनएल अकाउंट में उन्होंने हमें आई थिंक लेबर आवर नहीं दिए। अब बच्चों आपको यही सोचना है कि ये लास्ट ईयर के लेबर आवर आप लोग कैसे ढूंढोगे, तो उसके लिए बच्चों मेरा एक लॉजिक है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। नोट नंबर 2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यूनिट लेबर आवर कैसा है, सेम है। तो हमेशा बच्चों पर आवर लेबर रेट सेम होता है, तो
तो अब मैं आपको लेबर आवर का फॉर्मूला सिखा रहा हूं। लेबर आवर इक्वल टू लास्ट ईयर डायरेक्ट वेजेस जो आपको पीएनएल में दिया हुआ है अपॉन पर आवर रेट। अब मेरे पास ए के अंदर बच्चों वेजेस की वैल्यू है 25,000 रुपए पर आवर रेट 2.5, बी के अंदर वैल्यू है 30,000 रुपए पर आवर 2.5 और सी के अंदर है बच्चों 20,000 रुपए पर आवर 2.5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों, यहां आएगा मैजिकल फिगर ए में 10,000 लेबर आवर, बी के अंदर बच्चों आएंगे मेरे ख्याल से 12,000 आवर और सी के अंदर बच्चों देख सकते हो मेरे ख्याल से 8,000 आवर आएंगे। दिस इज अनदर सम बच्चों जिसके अंदर नया क्या आया, हाउ टू फाइंड आउट लेबर आवर। आपके सामने मैंने लेबर आवर को फाइंड किया हुआ है। अब आगे जा रहे बच्चों, जैसे लेबर आवर मिले ये लेबर आवर को ऊपर ले लो। यस, पहले में 10,000 आवर, सेकेंड में 12,000 आवर और थर्ड के अंदर बच्चों 8,000 आवर। जैसे डिसाइड डिवाइड करोगे, फर्स्ट में आएगा 1.25, सेकेंड में 20,000 को 12,000 से डिवाइड करोगे बच्चों आएगा 1.6667 और थर्ड को डिवाइड करोगे बच्चों 5,000 डिवाइड बाय 8,000 तो वैल्यू आएगी 0.625। अब ये जो रेट आया बच्चों उसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम। यस, जो फरी जो फैक्ट्री ओवर का फॉर्मूला लिखा, फैक्ट्री ओवर रेट लास्ट ईयर का है मेरे पास, अवर्स नहीं थे, अवर्स के लिए लास्ट ईयर का वेजेस लिया और रेट हमेशा सेम रहता है, आपको लॉजिक समझाया मैंने। अब बच्चों यहाँ रेट है 1.25, सेकेंड में है 1.667 और थर्ड में है बच्चों 0.625। जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों पॉइंट के कारण थोड़ा डिफरेंस आएगा पर उसे हम राइट अप कर देंगे 12.5, सेकेंड में आएगा बच्चों 6.68। एक आध दो पैसे का फर्क आए तो टेंशन नहीं लेना, लास्ट में आएगा 5.02। इस प्रकार से बच्चों टोटल करोगे तो 24.20 मेरे ख्याल से यस फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट आई थिंक 200 रुपए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों नया क्या आया, लेबर आवर कैसे मैंने फाइंड किए। अब बच्चों मुझे पीएनएल देखना है, उसमें जैसे वर्ड है सेम कॉस्ट शीट में आने, जो मटेरियल एंड वेजेस ली था ओवरहेड हमने लेबर आवर के आधार पर ढूंढा, फिर पीएनएल में देखो मटेरियल आ गया, वेजेस आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ गया, फिर सेलिंग एक्सपेंस है बच्चों। अब हमें सेल्स एक्सपेंस लेने हो बच्चों तो उसके लिए हम लेबर आवर नहीं ले सकते, पर कहां अटके हैं बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट। तो उसके अंदर मैं बेस लिखने जा रहा हूं फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, यहां मैं फिर टोटल कॉस्ट करूंगा, फिर एड होगा बच्चों प्रॉफिट जो क्लियरली बोला हुआ है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट और यहां बच्चों मिलेगा आपको सेल्स। तो मुझे बच्चों सबसे पहले नोट नंबर 3 के अंदर लास्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना होगा। अब लास्ट ईयर के फैक्ट्री कॉस्ट के लिए पीएनएल अकाउंट में से मैं सबसे पहले लिखूंगा बच्चों वैल्यू ऑफ मटेरियल, वैल्यू बोलो बच्चों 387,500। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू है मेरे पास 75,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों आई थिंक 175। जैसे बच्चों इसका टोटल करोगे वी रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 5 लाख। अब बच्चों मेरे पास लास्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट 5 लाख है, मैं पद रख रहा हूँ फैक्ट्री कॉस्ट पीएनएल में 5 लाख था, तब मेरे पास सेलिंग एक्सपेंस कितना था तो बोले 150। तो करंट ईयर में फैक्ट्री कॉस्ट 200 है, उस पे हाउ मच, जैसे आप पद रखोगे बच्चों वैल्यू आएगी 60 और जैसे बच्चों ऐड करोगे 200 में 60 260 टोटल कॉस्ट और उसमें प्रॉफिट 10% ऐड करोगे बच्चों तो 286 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस। पर ये मेथड बच्चों आपको यूनिट कॉस्टिंग की याद दिलवा रही है, याद है इतने पे इतना तो कितने पे कितना। अब इसमें बच्चों परसेंटेज वाली मेथड भी है ऑप्शन में, परसेंटेज ऑफ सेल्स एक्सपेंस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसमें फॉर्मूला सिखाया दिया था बच्चों, तो ऊपर लेना है फैक्ट्री ऊपर लेना है जो एक्सपेंसेस आपको ढूंढना है यानी सेल्स एक्सपेंस और नीचे लेना है बेस यानी फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। लास्ट ईयर का सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल में 150, फैक्ट्री कॉस्ट 5 लाख इनटू 100 करोगे तो 30% आएगा। ये क्या बता रहा है बच्चों, सेलिंग एक्सपेंस
फैक्ट्री कॉस्ट का 30% है, 200 फैक्ट्री कॉस्ट है उसका, अगर 30% निकालो बच्चों तो ये आपके सामने आ गया अद्भुत कॉस्ट शीट। तो इसके अंदर बच्चों नया क्या सीखा, तो इसके अंदर ऐसा कह सकते हैं हमने लास्ट ईयर का बेस लेके कुछ अद्भुत वर्किंग किया है। अब बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा जॉब कॉस्ट शीट उतार लो, नया पॉइंट है बच्चों लास्ट ईयर का पीएनएल अकाउंट। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलो बच्चों अब हम ले जाने अनदर क्वेश्चन सम नंबर 9 पेज नंबर 234। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, सेम दूसरा सम आपको प्रैक्टिस में करवा रहा हूं पर थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग है। एज अ कॉस्ट अकाउंट ऑफ अ कंपनी यू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ जॉब नंबर एबीसी, मटेरियल वेजेस डिपार्टमेंट एबीसी, डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कॉस्ट। फिर अब बच्चों इसमें लिख के दिया, ध्यान से देखिए, द एनालिसिस ऑफ पीएनएल अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर इज एज फॉलो। लास्ट ईयर का बच्चों आपको पीएनएल अकाउंट एज इट इज दिया है, ठीक है। चलो फिर नीचे द एवरेज डेली वेज रेट आइडेंटिकल इन ऑल थ्री डिपार्टमेंट ड्रॉ अप जॉब कॉस्ट शीट एड टू 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो बच्चों मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, मैं एक सम निकाल के रख देता हूं बच्चों जिससे टोटल में मुझे मदद रहे। चलो बच्चों सम नंबर 9 पेज ब्रैकेट में पेज नंबर 234। अब मैं पहले प्रिपेयर करने जा रहा हूं जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है। चलो सबसे पहले पर्टिकुलर्स रुपीस। चलो सबसे पहले बच्चों पीएनएल अकाउंट लास्ट ईयर का है, उसके ऊपर स्टार्टिंग में मटेरियल है वो कॉपी करते जाओ। मटेरियल जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 140। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू है 18 hours × 5, वैल्यू है 90। और हम बच्चों 90 कैसे लेते हैं, डिपार्टमेंट ए 8 hours × 5 = 40, डिपार्टमेंट बी 6 hours × 6 = 36, और उसके बाद डिपार्टमेंट सॉरी 6 × 5 = 30, डिपार्टमेंट सी 4 hours × 5 = 20, टोटल करोगे बच्चों तो 90। और उसके बाद मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहा है 10 rupees। ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल फिगर ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों जॉब कॉस्ट शीट के अंदर हमें प्राइम कॉस्ट तक कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं, ये हमें सिर्फ बुक में से कॉपी करना है। अब बच्चों इसके बाद आगे जो जो ढूंढना है उसके लिए मैं पैराग्राफ और पीएनएल अकाउंट देख रहा हूं। चलो अब बच्चों हम आगे लेने जा रहे हैं पीएनएल अकाउंट में मुझे दिख रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहां भी ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड पर बेस क्या होगा लेबर आवर, ये रहे ऊपर जॉब के लेबर आवर ए में 8 hours, बी के अंदर है बच्चों 6 hours और सी के अंदर है 4 hours। पर सेम प्रॉब्लम लास्ट सम की तरह बच्चों यहां मेरे पास ओवर रेट नहीं है, तो अब इसके लिए बच्चों मैं थोड़ी जगह करूंगा और आपके लिए नोटिंग करूंगा, ध्यान इस तरफ। ये मैंने ड्राइंग करके थोड़ी जगह कर ली बच्चों, नोट नंबर 1। अब बच्चों मुझे फैक्ट्री ओवरहेड रेट फाइंड करना हो और ओवर, तो उसका फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, यस आपको बजटेड या फिर लास्ट ईयर का फैक्ट्री ओवरहेड लेना है, नीचे लास्ट ईयर के लेबर आवर। अब बच्चों पीएनएल अकाउंट दिख रहा है मुझे पीएनएल, जो उसमें लास्ट ईयर का फैक्ट्री ओवरहेड है 5000 rupees। फिर बी के अंदर देखो बच्चों उसमें दिख रहा है मुझे 9000 rupees। फिर सी के अंदर देखिए बच्चों उसमें दिखाई दे रहा है मुझे 2000 rupees, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास नीचे लेबर आवर नहीं है सेम, तो मुझे यहाँ नोट नंबर 2 पे जाना होगा। अब लेबर आवर कैसे ढूंढा जाता है, तो लेबर आवर के लिए बच्चों सेम फॉर्मूला जैसे लास्ट में यूज किया, लेबर आवर इक्वल टू लास्ट ईयर डायरेक्ट वेजेस अपॉन पर आवर रेट। अब हमें लास्ट समय देखा था सेम, मेरे को 5 rupees रेट है वो सेम रहेगा, तो लास्ट ईयर पीएनएल अकाउंट है वेजेस, जो पीएनएल अकाउंट में वेजेस है 10000 rupees, रेट यहां से लिया 5 rupees, ओवर आएंगे 2000। बी के अंदर बच्चों लास्ट ईयर का वेजेस है 12000, उसको 5 से डिवाइड किया बच्चों तो मेरे ख्याल से ओवर आएंगे, 12000 को 5 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो 2400। कुछ बच्चों टोटल मुझे भी देख के लिखना पड़ता है, आप लोग टैली करना। और सी के अंदर बच्चों यस टोटल है 8000,
लेबर जिसको 5000 आवर से, सॉरी 5 रुपए से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से आवर्स आएंगे 1600। अब ये जो लेबर आवर है बच्चों, उसको यहाँ रख दो, 5000 डिवाइड बाय 2000 लेबर आवर, 5000 डिवाइड बाय 2400 लेबर आवर, 2000 डिवाइड बाय 1600 आवर। तो ये पूरे टॉपिक में बच्चों एक ही धारणा है, ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर आवर। अब जैसे डिवाइड करोगे बच्चों, फर्स्ट में रेट आएगा 2.5, सेकेंड में रेट आएगा 3.75 और नेक्स्ट में रेट आएगा बच्चों 1.25। जैसे रेट आए यहाँ टपका दो 2.50, 3.75 एंड 1.25। जैसे बच्चों रेट्स में मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले में वैल्यू आएगी 20 रुपये, सेकेंड में वैल्यू आएगी 22.5 और थर्ड में वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से बच्चों 5 रुपये। और जैसे इसका टोटल करोगे बच्चों, यू रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट आई थिंक 47.5। और जैसे ऐड करोगे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट रिसीव होगी और इसका भी टोटल बाकी है बच्चों, प्राइम कॉस्ट का टोटल था 240। और जैसे इसमें ऐड करोगे आई थिंक 287.5 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बच्चों उसके बाद पीएनएल अकाउंट में ऑफिस ओवरहेड नहीं है तो हमें भी नहीं लेना है, सीधा लेंगे सेल्स ओवरहेड, जिसके अंदर हमेशा आपको बेस लेना है फैक्ट्री कॉस्ट। अभी आप कहाँ अटके हो, फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो कैसे पद रखोगे बच्चों, तो इसके लिए आपको एक नोट में जाके लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करना है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर फ्रॉम पीएनएल, ये अंडरलाइन की। चलो बच्चों मैं शुरू करूं, पीएनएल अकाउंट में से सबसे पहले लेने जा रहे हैं मटेरियल, इसका वैल्यू दिख रहा है मुझे बच्चे 150,000। फिर बच्चों मुझे दिख रहा है डायरेक्ट वेजेस, जिसका वैल्यू है 30,000। अब बच्चों यहाँ एक गलती बच्चे से होती है, जब कैलकुलेशन करते हो तो आपने देखा कॉस्ट शीट जो बना रहे उसमें स्पेसिफिक मटेरियल है, पर लास्ट ईयर में तो मटेरियल स्पेसिफिक हो रेगुलर, वो सब ले लेना, ये गलती होती है, बच्चा इसे छोड़ देता है। स्पेसिफिक मटेरियल जिसकी वैल्यू है 4,000 रुपीज, और उसके बाद बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है आई थिंक 16,000 रुपये। ये टोटल करोगे बच्चों तो ये हो गया आपका लास्ट ईयर का मैजिकल फिगर ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट आई थिंक 2,00,000 रुपीज। अब बच्चों हम पद रखेंगे लास्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट जब 2,00,000 रुपये था तो सेलिंग एक्सपेंस इक्वल टू 20,000। तो अभी फैक्ट्री कॉस्ट करंट में 287.50 पे हाउ मच, जैसे रखोगे भाई लास्ट ईयर 2,00,000 पे 20,000 तो 287.5 में हाउ मच, जैसे रखोगे 28.75 आएगा मैजिकल फिगर ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। टोटल कॉस्ट करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 316.25। और बच्चों इसमें प्रॉफिट एकदम आसान बोला है, ऑन कॉस्ट प्रॉफिट की तो जो 20% ऑन कॉस्ट, सीधा बच्चों इसका 20% लोगे तो नीचे मिल जाएगा सेल 63.25। जैसे ऐड करोगे बच्चों यू विल रिसीव 379.50। तो बच्चों देख सकते हो खाली एक स्पेसिफिक मटेरियल लगाया, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो टू डिट्टो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। अब बच्चों इसमें एक फॉर्मूला मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो मैं वीडियो पोज करके आप इसको नोट डाउन कर दो, यही सेलिंग एक्सपेंस को फाइंड करना हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पोज कर देना, मैं यहाँ जगह है वहां सेलिंग एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, इतनी जगह बच्चों आ जाएगा मुझे लग रहा है। परसेंटेज ऑफ सेल्स एक्सपेंस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, तो जिसके लिए फॉर्मूला है बच्चों लास्ट ईयर का सेल एक्सपेंस लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। लास्ट ईयर सेलिंग एक्सपेंस 20,000 था, नीचे 2,00,000 थे, इंटू 100 करोगे बच्चों तो आई थिंक 10% आएगा। ये कैलकुलेशन ऐसा बता रहा है कि अगर आपके पास ये जो वैल्यू है 287.5 उसका आप 10% सीधा ले लो तो भी आपको सेलिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों वीडियो कट हो रहा है कि नहीं, आई थिंक कटिंग नहीं हो रहा बच्चों, एकदम आराम से आप पूरा वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बच्चों मैं अनदर एक छोटा सम लेने जा रहा हूँ। चलो अब बच्चों एक मैं प्यारा छोटा सम लेने जा रहा हूँ, सम नंबर 21, जिसके ब्रैकेट में आप करोगे इलुस्ट्रेशन 120 नंबर का सम होमवर्क में पेज नंबर 242/1। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू 3 जॉब्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पैराग्राफ में वर्क ओवरहेड आर रिकॉर्डेड एट
50% of prime cost and office overhead recorded at 10% of work cost. Find out total cost of each job. चलो सबसे पहले बच्चों सिंपल जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा होगा सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ बच्चों 100% आते हैं। पर्टिकुलर जॉब नंबर एक, जॉब नंबर दो और फिर है बच्चों जॉब नंबर थ्री। ठीक है चलो बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा छोटा 5 मिनट का समय। सबसे पहले बच्चों जॉब में आएगा डायरेक्ट मटेरियल जिसका वैल्यू है 2100 2800 अने 3500। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट लेबर वैल्यू है 1400 2100 एंड मेरे ख्याल से 2450। और उसके बाद है बच्चों तीसरा खर्च रो में डायरेक्ट एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है 210 280 and 350। जैसे टोटल करोगे बच्चों यू विल रिसीव मैजिकल फिगर ऑफ प्राइम कॉस्ट। और अब बच्चों मेरे टोटल आप करोगे कैलसी से तो पहले क्या आएगा 3710 5180 और उसके बाद बच्चों 6300। बोलो छे कोई प्रॉब्लम, खाली में कॉपी करें क्यों। प्राइम कॉस्ट रेडी, पैराग्राफ आंसर जो वर्क ओवरहेड इज 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। वर्क ओवरहेड उसका दूसरा मीनिंग होता है फैक्ट्री एक्सपेंस 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये पूरे लाइन का 20% ले लो। अब बच्चों मेरे पास कोई मदद नहीं है, मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूँ। थ्रू 3710 का 20% लोगे तो आएगा 752 5180, उसका 20% लोगे वैल्यू आएगी 1036 और उसके बाद 6300 उसका 20% लोगे बच्चों वैल्यू आएगी 1260। जैसे ऐड करोगे बच्चों विल रिसीव फैक्टरी कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 55। वर्क ओवर यस सही है बच्चों 55। मैं फिर से देख लेता हूं बच्चों कोई गड़बड़ नहीं है। 3710 3710 उसका मुझे लेना है 20% वैल्यू 742। जैसे ऐड करोगे 3710 में वैल्यू आएगी 4452। कोई गड़बड़ हो रही बच्चों मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस वर्क ओवरहेड आर रिकवर एट 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। सॉरी बच्चों मेरी गड़बड़ हो गई, 50% लेना था, मैंने ले लिया मात्र 20%। 3710 उसका 50% लीजिए 1855। टोटल आएगा बच्चों 5565। उसके बाद बच्चों 5180 उसका 50% लीजिए 2590। जैसे ऐड करोगे वैल्यू आएगी 3770 और 6300 का बच्चों 50% लोगे एकदम इजी समय वैल्यू आएगी 3150। जैसे ऐड करोगे यू विल रिसीव 9450। इसमें ऐड करोगे बच्चों ऑफिस ओवरहेड देन यू रिसीव टोटल कॉस्ट फिनिश्ड। इसके बाद कुछ मांगा नहीं है बच्चों, यहां तक जाना है। अब ऑफिस ओवरहेड में क्या बोला है बच्चों, तो ऑफिस ओवरहेड में बोला है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, ये इसका 10% लेना है। आई थिंक 557 777 उसके बाद 945। जैसे ऐड करोगे बच्चों पहले का फिगर आएगा 6122 फिर आएगा आई थिंक इसमें बच्चों टोटल में गलती है, मैं चेक कर ले तो बुक नो टोटल खोटू छे मने याद छे 777 ऐड करोगे 8547 और लास्ट में आएगा बच्चों 10395। दिस इज कॉल्ड सिंपल क्वेश्चन बच्चों, यूनिवर्सिटी 2013 में आ चुका है। क्वेश्चन देख के तो ऐसा लग रहा है ये सब जैसे यूनिट कॉस्टिंग का हो बच्चों, पर ऐसी कॉस्टिंग कई बार 7 मार्क्स में आ जाती है। चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं अब कुछ कुछ MCQs। अब आपके सामने बच्चों MCQ नंबर 6 ब्रैकेट में MCQ 17। MCQ के बाद बाजू में बच्चों हमेशा हमें MCQ करना है ठीक है। पेज नंबर 224 पे आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन फॉर अ जॉब नंबर 401 डायरेक्ट मटेरियल 10,000 लेबर 20,000 वर्क एक्सपेंस 60% ऑफ लेबर अदर एक्सपेंस 20% ऑफ वर्क कॉस्ट टेंडर प्राइस शुड बी 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों, चलो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ नजर बोर्ड पे। सबसे पहले जॉब कॉस्ट शीट। ऐसे छोटे क्वेश्चन बच्चों MCQ में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों आई थिंक 10,000 रुपीज। उसके बाद है बच्चों लेबर जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 20,000 रुपीज
जिसके टोटल को आप नाम दोगे। उसके बाद जो अदर एक्सपेंस, यस एक और एक्सपेंस ऐड करेंगे, अदर एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है बच्चों 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। आई थिंक अदर एक्सपेंसेस इसमें नहीं आएगा बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल लेबर के बाद यस वर्क एक्सपेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका टोटल करते हैं बच्चों प्राइम कॉस्ट 30,000। थोड़ा कंफ्यूजिंग है सम, वर्क ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ लेबर, ये रही लेबर, इसका 60% लोगे तो टोटल आएगा 12,000। फिर हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 42,000। फिर उसमें बच्चों अदर एक्सपेंस है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, यस अदर एक्सपेंस नाम नहीं दिया है, 20% लेना है वर्क कॉस्ट का 42,000 का। बच्चों मैं आपके सामने कैलकुलेटर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई मदद नहीं है, यस 8400। जैसे ऐड करोगे बच्चों विल रिसीव टोटल कॉस्ट 50,400। आगे कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब बच्चों मेरे पास सेल्स नहीं है, आंसर सेल्स है, इसके ऊपर बोला है तो क्या करेंगे, सपोज सेलिंग प्राइस 100 होगा, उसमें 20% प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आएगा 80 पे बच्चों 50,400, तो 100 पे सेल्स हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों 50,400 × 100/80 करोगे तो मैजिकल फिगर आएगा 63,000। और आप आंसर में बच्चों ऑप्शन टिक कर सकते हो ए, ये हो गया आपका आंसर। अब स्टेटमेंट में प्रॉफिट कंप्लीट करना हो बच्चों तो इसमें से 50,400 माइनस करोगे तो प्रॉफिट भी आएगा 12,600। ये हो गया बच्चों एकदम प्यारा जो यूनिट कॉस्टिंग ऑलरेडी आपने हर बार ऐसी कॉस्ट शीट बनाई हुई। अब बच्चों कुछ थोड़ा चैलेंजिंग हो जाए, MCQ नंबर 9, तो आपको भी थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में बच्चों सेम 17, इसके बाजू में भी रेफरेंस है, कोई अलग MCQ नहीं। चलो जॉब कॉस्ट सीट, थोड़ा मेहनत करवाएगा बच्चों ये सब। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान अंदर। प्राइस ऑफ जॉब डिसाइडेड 1200 इंक्लूसिव 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, वाइल फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, फाइंड आउट प्राइम कॉस्ट। अब बच्चों ध्यान से देखना मैं कैसे ले रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट नहीं है। फिर उसके अंदर उनका कहना है फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट इसके ऊपर है, ये भी नहीं है। उसके बाद बच्चों उनका कहना है ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑफ ऑफिस कॉस्ट, या इसे कह सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका 10%, ये भी नहीं है। उसके बाद बच्चों यस इसे ही आप टोटल कॉस्ट कहोगे, बाकी कोई खर्च नहीं है। फिर उसमें ऐड करोगे बच्चों प्रॉफिट, वो है 20% किसके ऊपर है ऑन कॉस्ट। और नीचे बच्चों आपके सामने सेल्स वैल्यू अवेलेबल, यस सेल्स है ₹1200। ओह दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम बच्चों, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपको देखना है। अब आपको फाइंड करनी है प्राइम कॉस्ट, कैसे ढूंढते आपको देखना होगा बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों यहाँ MCQ 9 का वर्किंग दिखा रहा हूं मैं। सबसे पहले नॉट नंबर 1 जिसमें सेलिंग प्राइस नहीं है, कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट को सपोज किया ₹100, उसमें से प्रॉफिट माइनस किया प्लस किया 20, तो सेलिंग प्राइस आएगी 120। अब पद रख रहा हूँ 120 पे 1200, तो 100 पे कॉस्ट हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों 1200 × 100/120 करोगे तो वैल्यू आएगी 1000, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, बीच में प्रॉफिट आ गया 200। अब बच्चों आप देख सकते हो ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब ये ऑफिस एक्सपेंस 10% है, ले लूं 100, तो ऊपर जाओगे तो आएगा उल्टा 900। अब बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 50%, मेरे पास प्राइम कॉस्ट नहीं है तो मैंने एज्यूम किया 100। ध्यान से देखना 2 मिनट, सपोज प्राइम कॉस्ट 100 तो फैक्ट्री ओवरहेड 50%, यानी कितना होगा 50, तो यहाँ कितना होगा 50। अब पद रखो 50 पे 900 फैक्ट्री कॉस्ट, 50 से 900 तो 100 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों मेरे ख्याल से मैजिकल फिगर आएगा 1800, मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों कोई गड़बड़ है कि नहीं, आंसर आ रहा है 600।
यस मैं देख लेता हूँ बच्चों कोई गड़बड़ है कि नहीं। 600 आंसर आ रहा है। चलो सबसे पहले कोई गड़बड़ नहीं है। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, कॉस्ट 100 ली, 20 120 पे किया, ये सही है। ऑफिस एक्सपेंस उन्होंने बोला है, यस ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका 10% लिया, 900 आ गया बराबर। अब बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड उन्होंने बोला है फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट नहीं है बच्चों, तो प्राइम कॉस्ट मैंने 100 एज्यूम की, ये 50% यानी यहाँ 50, तो यहाँ 50 आएगा बच्चों, तो 50 पे 900, कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों। यस फैक्ट्री ओवरहेड में चेक कर रहा हूँ बच्चों, कुछ गड़बड़ है कि नहीं, अब वेट कीजिए आप लोग भी चेक कीजिए। यस बच्चों एकदम सही है, खाली मेरी लिखने में गलती हो रही थी, यहाँ इसको 100 एज्यूम का, ये 50 तो यहाँ आएगा बच्चों 150, अब बद रखिए 150 पे 900 तो 100 पे हाउ मच, 150 पे 900 तो 100 पे हाउ मच, जैसे रखोगे बच्चों 600 रुपया आंसर आएगा, और 600 का 50%, 300, ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल फिगर प्राइम कॉस्ट, और आंसर में मेरे ख्याल से ऑप्शन आएगा ए, यस आंसर ए, दिस इज कॉल्ड छोटू छोटू प्यारा प्यारा सम। इस प्रकार के सम्स बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वीडियो पॉज करके बच्चों दोनों एमसीक्यू नोट कर दीजिए, नेक्स्ट में बच्चों थोड़ा काम बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, फैमिली का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, और बहुत अच्छी तरह का मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।